असुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ किया ये काम, मचा हंगामा। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में मामला दर्ज कराया है और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मिले। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। हमने अनुरोध किया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। कमिश्नर ने हमें एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी पर पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तहरीर दी। मंगलवार को दी गई तहरीर में उन्होंने केस दर्ज कर रिजवी को तत्काल गिरफ्तार कर उनकी किताब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना जवाद ने कहा कि रिजवी ने मोहम्मद साहब पर पुस्तक लिखकर उनका अपमान करने की कोशिश की है। रिजवी ने किताब में ऐसी बातें लिखी है जो अभद्र और ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। वसीम ने मुसलमानों की भावना भड़काकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश की है। जवाद ने कहा कि आज तक पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर नहीं बनी है, लेकिन किताब में पैगंबर की तस्वीर के साथ एक भड़काऊ तस्वीर पेश की गई है। इससे मुस्लिम समुदाय आहत हुआ है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक पहुँचती रहे।